नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कल पीएचडी प्रवेश परीक्षा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एवं दिव्यांग कोटा आरक्षण नहीं लागू करने को लेकर आंदोलन किया गया एवं पीएचडी शाखा एवं परीक्षा विभाग में तालाबंदी भी की गई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सूरज कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिस प्रकार ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग कोटे के छात्रों के साथ जो व्यवहार किया है वो अत्यंत निंदनीय है। विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द छात्र हित में फैसला ले, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन अगर छात्र शक्ति की पावर को भूल गई है तो उन्हें याद दिलाएंगे कि छात्र शक्ति का पावर क्या होता है। विभाग संगठन मंत्री हेमंत मिश्रा ने कहा कि प्रतिकुलपति के तानाशाह रवैया की वजह से आज ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग छात्रों को भटकना पड़ रहा है। प्रतिकुलपति अविलंब छात्र हित में फैसला ले। विश्वविद्यालय प्रशासन 1 तारीख से होने वाले इंटरव्यू को तत्काल प्रभाव से ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों के हित में फैसला आने तक स्थगित किया जाए। विज्ञान संकाय के पूर्व परिषद सदस्य प्रतीक कुमार ने कहा कि जब सभी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण मिला है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को क्यों नहीं आरक्षण दिया गया। जब आरक्षण नहीं देना था तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म नहीं भरवाना चाहिए। कुलपति के अनुपस्थिति में छात्र कल्याण अध्यक्ष एवं कुलानुशासक से सोमवार को कुलपति के आने तक के आश्वासन मिलने के बाद तत्काल आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। सबसे पहला मामला है कि आप लोगों के सामने में दिव्यांग बंधु बैठे हुए हैं, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया है। दूसरा, संविधान प्रदत्त अधिकार जो ईडब्ल्यूएस के रूप में आरक्षण दिया गया है उनके साथ में खिलवाड़ किया गया है। तीसरा, आप देख रहे हैं विभिन्न मांगों को हम लोगों ने उपर्युक्त अंकित कर दिया है। विश्वविद्यालय में गुंडागर्दी से जो बचे हुए थे उनसे 3,000 क्यों लिया, क्यों उनको 1,000 रुपया छूट दिया। जब आप संवैधानिक संस्थाओं को मानते हैं, सभी जगह देख लीजिए पैट की परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग कोटे को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, तो आप क्यों नहीं उसको मानेंगे। आप कहते हैं कि हमको 2019 से पहले वाला हम रोस्टर मानेंगे, लेकिन 2019 में जो चीज़ जो संविधान सम्मत जो अधिकार प्राप्त है छात्रों को, खास करके शोधार्थियों को, उनको वो अधिकार क्यों नहीं देते हैं। और आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में 100 ये जो कैमरे का जो है, सभी ये जो कैमरे का 100 गज के दूरी पे जो एकदम हाई इंसेंसिटिविटी का जो कैमरा चाहिए, क्यों छात्रों के सुरक्षा के लिए, छात्राओं के बहनों की सुरक्षा के लिए जो जरूरी है, जो पास हो गया था, विभिन्न स्तरों पे बातचीत हो गई थी, अभी तक में कहाँ वो फाइल अटका हुआ है, क्यों नहीं लगा है। छात्रों के अधिकारों को और उसके सुरक्षा को क्यों ताक पे रखा गया है, क्यों सभी नियम परिनियम जो छात्र हैं, जो जब दबे कुचले छात्र हैं, जो वंचित छात्र जो अपने अधिकारों के लिए हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं दिव्यांग बंधु जो अपने अधिकारों के लिए जूझ नहीं सकते हैं, उनके अधिकारों को क्यों कुचला जाता है। आज आप लोग क्या किए, जो प्रतिकुलपति हैं उनसे महोदय से मिलकर के सारी चीज़ों को अवगत कराए, तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने एक चीज और कहा कि इंडिविजुअल हमको फोन नंबर सहित आवेदन पत्र हमको दीजिए। तो आवेदन अगर एक ये तो औचित्यहीन हुआ। आज आप क्या किए हैं अभी? आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से तालाबंदी का आयोजन किए हैं, और खास करके जब तक इन दिव्यांग बंधुओं को, जब तक इनके अधिकारों को विश्वविद्यालय प्रशासन अगर इनके प्रति सजग नहीं होगा तब तक हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को एक धक्का जोर से विद्यार्थी परिषद की ओर से जारी रहेगा।